करो, ठीक है। और बाद यहाँ पर जो है कैनवा डॉट कॉम लिख दो, ठीक है। पहला लिंक आएगा, उस पर क्लिक करो, ये ओपन हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ साइन अप फॉर फ्री, इस पर क्लिक कर दो। और आईडी पासवर्ड देने की ज़रूरत, वो साइन इन कर ले, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, ये मेरी आईडी वगैरह सारे डिटेल से उठा लेगा। फिर उसके बाद ये आईडी मांग रहे हैं, मैं आईडी भी दे देता हूँ अपनी, जो मोबाइल में लॉगिन हुई भी होगी ना गूगल की, उस आईडी पे टैप करना है बस, और ये फिर आईडी भी ले लेगा। हो रही है क्योंकि नेट स्लो और मोबाइल भी छोटा है इस वजह से, ठीक है। ये इसका इंटरफेस जो है ना, अब ये सामने आ गया। ये देखो, ये सर्च बार है ना, ठीक है। यहाँ पे सब लिखा है, देखो हेडिंग्स लिखी हुई है, डॉक्स, वाइट बोर्ड्स, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक, यूट्यूब, ये सब आ गया। तो वीडियो है, प्रेजेंटेशन हैं, वेबसाइट्स हैं, क्या बनाना है। तो मैं यहाँ पर जो है ना यूट्यूब थंबनेल लिखता हूँ। यूट्यूब का थंबनेल ज़्यादातर लोग जो है ना वो सर्च करते हैं और बनाते हैं, क्योंकि आजकल लोग जो है वो चैनल बना के अपने जो है जा रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब थंबनेल लिख के मैंने जो है ना वो सर्च, अब डिफरेंट जो है ना इसमें थंबनेल्स आ जाएंगे, और उनमें से एक चूज़ करना है जो भी अच्छा लगे। इसमें कुछ प्रो भी होंगे, वो तो फिर पेड होते हैं। देखो भाई, ये आ गए थंबनेल, ठीक है, ये आ गए थंबनेल। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जैसे आप, ये वाला ले लेता हूँ मैं, ये वाला, इस पर मैंने टैप किया, अब ये ओपन हो जाएगा मेरे पास। ये देखो, इसको जो ये पूरा एरिया, इसको कैनवास कहते हैं ना, इसके ऊपर वो ओपन हो जाएगा मेरे पास। ये देखो, अब मैं यहाँ पर जो है ना, ये गर्ल की पिक्चर है, यहाँ अपनी भी लगा सकता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें मिल जाएगी कि कैसे ये इसमें एडिटिंग करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, इस पे मैंने क्लिक किया ना, कॉपी पेस्ट, सिलेक्ट मल्टीपल, ये आ गया डिलीट लिंक्स। इसके पीछे लिंक भी लगा सकते हो कि बंदा कोई वेबसाइट है ना तुम्हारी, तो या फिर यूट्यूब चैनल, वहाँ पे लिंक पेस्ट कर दो यहाँ पर, और बंदा क्लिक करेगा और फिर वेबसाइट लग जाएगी, ठीक है। अब डबल क्लिक करते हैं, सिलेक्ट हो गया। मान लो कि मैं जो है इस पर लिख देता हूँ सर मिनहाज, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। और रिसाइज करना देख लो कितना आसान है, इसको कलर चेंज करना, यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद है। नीचे देख लो, एम एस वर्ड आता है ना नीचे, देखो देखो फॉन्ट है, स्टाइल्स हैं, फॉन्ट कलर है, देखो फॉन्ट कलर्स आ जाएंगे, हर चीज़ है इसमें। अब यहाँ पर ये प्लस दिख रहा है ना, इसमें जाएंगे तो डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे, तो मैं इसको जो है ना कुछ अलग कलर देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो कलर दे दिया इस पर। अब ये देखो, नीचे इफ़ेक्ट्स हैं, फिल्टर्स हैं, टॉप है, फ्लिप है, बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है। तो अब जब ये सब कुछ एडिटिंग कर लोगे ना, और देखो ये प्लस के साइन पे क्लिक करोगे ना, तो और स्टाइल्स, और थंबनेल्स, और चीज़ें जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। ये स्टाइल के नाम से भी है, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये टेम्पलेट्स हैं, और नीचे देखो ये एलिमेंट्स में जाएंगे ना, तो यहाँ पर हमें ऊपर देखो एरो लिखा हुआ है, एरोज़ है, फ्रेम है, देखो ये ग्राफिक्स लिखा हुआ आ गया, ठीक है। इसके अंदर ये ब्लैक एरोज आ गए, ब्लैक मतलब बहुत सारी कैटेगरी है, इसमें घुसते जाओ और काम करते जाओ। ब्रांड हब है, नीचे अपलोड है, या डिज़ाइन में दोबारा आ सकते हैं, ठीक है। मैं कोई एक शेप लेके देखता हूँ, ये एरो ले लेता हूँ। एरो पे टैप करेंगे, देखो ये एरो आ गया, देखो ये एरो आ गया ना, तो ये इस तरीके से चीज़ें आती हैं। और देखो ये ऊपर जो है ना, इसके 3 डॉट बने हुए हैं, इस पर जाओगे तो ये मज़ीद ऑप्शन थे, उसमें नीचे ये डाउनलोड लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करो, PNG में डाउनलोड होगा। अभी थोड़ी देर बाद ये बटन ऑन हो गया, पर्पल कलर का, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और बस अभी ये डाउनलोड। और थंबनेल का ना एक ही फ्लो रखना है, जो फर्स्ट थंबनेल बनाओ ना वही लास्ट, सारे थंबनेल वही हो, ठीक है। देखो ये डाउनलोड हो गई है।
ये देखो, ये मेरे पास।